झारखंड के कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड के टेहरो गांव, जिसमें उच्च जाति बहुल गांव में 13 मार्च 2017 को प्रदीप चौधरी उम्र 55 को पुलिस ने थाने लाकर इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उसकी मौत हो गई। सब बस्ती वालन सब होलकर निकलल का धूरी उड़ गए तो यो उठला साथे गए बजेले गले कानी डी चौक पर लड़ैया मारिया भले हो तो उन्हें से चौकीदार आ रहे ओकरा पर बाढ़ की बुतरू रंग दलक पाए रंग पर दलक बस ओकरे से बकबाद हो गए बस पुलिस ही दलक चौकीदार फोन करके हम लोग का होलिकल लोग छेक के मार रहा तब पुलिसिया फोन में पर गाड़ी लेके आ गए। हमारा आदमी हले इंसान सीधा है जब पीले हुए हले बिना भाग नहीं कहीं भागते हैं बस गाड़ी से उतरला रेखरे तड़तड़ाक मारे लगे के पुलिस। अच्छा पुलिस जब मारे लगले तो गिर गला पर बेहोश हो गए। अच्छा नहीं गले से तो कोई फटकल है तो सब फिर पुलिस ये नहीं करे खाली हाली उठा के हर गाड़ी पर लेके भाग ले। अच्छा तो मतलब पुलिस के पिटाई से ऐसा हुआ है। हाँ पुराना थाना में एक लोहा का चारपाई था उस पर उसको सुला रखा था और पूरा मतलब गए तो हम लोग देखे पूरा बॉडी उसका जो है सो मतलब कांप रहा था। हम क्वेश्चन किए वहां पर कि क्या इसके साथ मारपीट किए हैं आप लोग तो बोले नहीं हम लोग पूछ लीजिए पता कर लीजिए हम लोग नहीं मारे मतलब उनका कहना है कि हम लोग नहीं मारे लेकिन उसकी स्थिति जो थी वो बहुत ही मतलब उस समय भी दयनीय थी। वो बड़ा बाबू जो है से अपने से आवेदन बनाए बोल ले जाइएगा कम से कम मतलब आप लोग साइन कर दीजिए आप लोग एक दो आदमी यहाँ आने के बाद स्थिति मतलब उसका धीरे धीरे और आप 9 बजे जो लेके आए थे हाँ उसके बाद से ही मतलब और स्थिति खराब होती थी। प्रेस वाला लोग जो लिखा हुआ है उसमें बता रहा है कि मतलब उनको मिर्गी का बीमारी भी था इसके कारण से उनका मौत हुआ। नहीं गलत बात तो उनको बीमारी कोई बीमारी बीमारी नहीं कोई बीमारी नहीं है सब मामले को पचाया जा रहा है। तो आप उनको थोड़ा सा प्रेशर नहीं दिए कि सर आप FIR पहले लॉज करिए हमारा वहाँ पर जितने पुलिस थी SDPO हो इंस्पेक्टर हो कोडरमा थाना प्रभारी हो पांच लोग हम लोग को इतने मेंटलिटी टॉर्चर किया गया उसको वर्णन ही नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इसमें न्याय चाहते हैं। जनता पर अगर कोई मामला आता है तो यही पुलिस शक के दायरे में भी उठा करके ले जाती है सारा सबूत मिलने के बावजूद भी पुलिस इसको निपापोर्ति पर लगे हुए हैं। जो भी पुलिसकर्मी दोषी हो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो FIR दर्ज हो उसकी मतलब बर्खास्त किया जाए और पुलिस की मार से मरी है तो सरकार की जवाबदेही है कि इसको मतलब इनको नौकरी मिले और मुआवजा मिले। पुलिस पर पिटाई के बाद युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है जैसा कि परिजन आरोप लगाए हैं क्या कुछ है इस पूरे मामले का सर? देखिए सतगावा थाना क्षेत्र में प्रदीप चौधरी नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस पर जो भी सही कार्रवाई है निष्पक्ष जांच निश्चित रूप से की जाएगी और निष्पक्ष जांच में जो भी समीचीन कार्रवाई करना उपेक्षित रहेगा वो निश्चित रूप से किया जाएगा। यदि इसमें कहीं से भी किसी की प्रति या कोई लापरवाही किसी दिखी हुई है या कहीं से इसका दोष है या किसी का रोल है तो व्यक्ति कोई भी हो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। 20 दिन पहले 20 फरवरी 2017 को अरविंद चौधरी को भी बेवजह लाठी चार्ज किया। इसके पहले एक महिला जो 4 बजे सुबह शौच के लिए गई थी जिससे गोली मारकर जख्मी कर दी। लगातार ऐसे ही पुलिस हरकत करते आ रहे हैं जिससे लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाने से भी डर लगने लगे हैं। दर्शकों से मैं अनुरोध करती है कि जिला कोडरमा के SP को 9431706350 पर कॉल करें ताकि जल्द से जल्द इस समस्या पर जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई करें और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। मैं विंती विश्वकर्मा जिला कोडरमा झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।